हेलो गाइस वेलकम टू कैम बूस्ट अगेन सो टुडे वी विल स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ अल्कोहल्स बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्या होते हैं एल्कोहल्स कैसे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं देन हम देखेंगे कि क्या होते हैं हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स उसमें फर्दर हम देखेंगे एलिफेटिक एल्कोहल्स एरोमेटिकल्कोहल्स उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को क्या होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स दैन हम देखेंगे नोमन क्लैचर ऑफ एल्कोहल्स उसमें हम देखेंगे कॉमन सिस्टम कार्बिनोल सिस्टम एंड आई सिस्टम दैन हम कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेंगे दैन हम देखेंगे एल्कोहल का स्ट्रक्चर तो बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है लेट्स स्टार्ट द लेक्चर तो चलिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आखिर हमारे पास एल्कोहल्स क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के उन्हें हम बोलते हैं एल्कोहल्स लिखेंगे देन हम एग्जांपल से समझते हैं एल्कोहल्स May be regarded as hydroxy derivatives of. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं डियर जिनमें हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स अरेंज होते हैं स्टेट चेन की फॉर्म में ब्रांच चेन के फॉर्म में या फिर नॉन एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर्स की फॉम में तो हमारे पास उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं एल्कोहल्स। एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट ईयर में हमने बहुत बार ये रिएक्शन पढ़ी है कि हमारे पास क्या है प्रोप वन इन या सिंपली प्रोपेन एच टू ओ एच टू फोर कौन सी एडिशन होती थी यार यहां वेरीनाइस मार्कोवनिक ऑफ एडिशन बहुत डिटेल में हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया था और यहां पर हमारे पास बनता था प्रोपेन टू ओल देखिए हाइड्रोकार्बन में तो हमारे पास एल्केन्स भी आते हैं एल्केन्स भी आते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमारे पास हाइड्रोकार्बन से कन्वर्जन हुआ किस में एल्कोहल में प्रोप इन टू प्रोपेन टू ऑल तो यही बात तो हमने लिखी कि एल्कोहल्स को हम क्या बोल सकते हैं कि वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं किसके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के यहाँ तक फील आया अल्कोहल्स की डेफिनेशन का अब हमारे पास जितने OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे एक मोलिक्यूल में उसी हिसाब से हम उन अल्कोहल्स को फर्दर क्लासीफाई करेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मान लो मोलिक्यूल में एक ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं उसे कहूंगा कि वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है अगर मोलिक्यूल में टू ओ एच ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो मैं बोलूंगा कि वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है अगर मोलिक्यूल में थ्री ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं बोलूंगा कि वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है इसी तरीके से फर्दर मैं बोलूंगा कि हमारे पास पोलीहाइड्रिक एल्कोहल्स आगे चलेंगे देखते हैं जैसे मैं कहूं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच हमारे पास ये है इथाइल एल्कोहल अब मॉलिक्यूल में एक ओ एच ग्रुप अटैच है तो मैं इसे बोलूंगा कि ये मोनोहाइड्रिक है ठीक है अगर मैं लिखूं सी एच टू OH, सी एच टू ओ एच इस मॉलिक्यूल में कितने ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है टू ओ एच ग्रुप्स ये क्या है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल दिस इज डाइहाइड्रिक ऐसे ही मैं लिखता हूं सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच कितने ओ OH एच ग्रुप्स प्रेजेंट है थ्री ओ एच ग्रुप्स प्रेजेंट है ये है हमारे पास बेसिकली ग्लिसरोल ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएगा ट्राई हाइड्रिक इसी तरीके से अगर मैं लिखूं सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच ओ एच फोर सी एच टू एच दिस इज एलडीटोल ये हमारे पास होगा पोलीहाइड्रिक फोर फाइव सिक्स पॉलीहाइड्रिक सिक्स है इसलिए पॉलीहाइड्रिक नहीं हमने देखा कि थ्री तक हमने ट्राईहाइड्रिक हुआ अब उसके बाद कितने ही होते चलेंगे तो हम उन सबको किसकी कैटेगरी में रख रहे हैं पॉलीहाइड्रिक ये याद रखना यहाँ पर सिक्स है इसलिए पॉलीहाइड्रिक नहीं बोलेंगे सेवन भी होते तो भी हम इसे पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में रखते हैं यहां पर हमने तीन तक देखा कि अगर हमें तीन मिले तो हम क्या क्या बोलेंगे हम बाकी सबको किस में रख रहे हैं पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में ये आप याद रखेंगे अब एक बात अगर आपने नोट की हो कि हमारे पास जो डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक या पोलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनमें हर एक ओ OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन आइटम से अटैच है कि नहीं देख लो डिफरेंट कार्बन आइटम से अटैच हैं क्योंकि हमारे पास अगर ध्यान से सुनिएगा दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स सेम कार्बन एटम पर आ जाएं तो मॉलिक्यूल को वो अनस्टेबल कर देते हैं वो इमीडिएटली वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देते हैं एल्डिहाइड कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है किस तरीके से वो देखेंगे फॉर द टाइमिंग आप इतना नोट कीजिए तो चलो अभी हमने बात की कि अगर किसी मोलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सील ग्रुप्स सेम कार्बन आइटम पे प्रेजेंट हो तो वो उसे अनस्टेबल बना देते हैं किस तरीके से ये देखो ओ एच ओ एच अब देखो एक ही कार्बन पर आ गए। टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो हमारे पास उसके बाद हमने क्या कहा था कि अनस्टेबल होने के कारण इमीडिएटली एच को लॉस करेगा और हमारे पास या तो एल बनाएगा या कीटोन बनाएगा या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अब दो हैं तो हमारे पास या तो एल बनेगा या हमारे पास कीटोन बनेगा एल कब कब बनेगा मान लो दोनों H हों या यहां पर कोई ग्रुप हो और यहां पर मान लो आर हो और यहां पर एच हो आर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है तो इस केस में तो हमारे पास ही एल बन जाएंगे लेकिन अगर मान लो दोनों आर ग्रुप हो जाए आर आर तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा किटोन तो बहुत सी बेसिक बात है ये आप ध्यान रखेंगे इसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास तीन ओ ग्रुप आ जाएं एच ओ एच तो हमारे पास इमीडिएटली एच टू लॉस करेगा और साथ में हमारे पास फॉर्म हो जाएगी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की यहां तक क्लियर हुआ अब हम वन बाय वन देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को लिखेंगे ऊपर नोट डाल के लिख लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को अब हम देखते हैं मोनो हाइड्रिकल एल्कोहोल्स पता लग चुका है आपको कि क्या होते हैं बस अब एक बार हम लिख के थोड़ा सा कर लेते हैं लिखेंगे एल्कोहोल्स कंटेनिंग वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मॉलिक्यूल इसे आप अंडरलाइन करेंगे वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मोलिक्यूल मोनो हाइड्रिक एल्कोहोल्स चाहे तो आप ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं इथाइल एल्कोहल का जहां पर आपको मैंने मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक या पोलिहाइड्रिक के बारे में बताया था उसके बाद कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स या कैटेगरीज या तो एलिफेटिक एल्कोहोल्स एलिफेटिक एल्कोहोल्स एंड एरोमेटिक एल्कोहोल्स क्या होते हैं एलिफेटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं वो टाइमिंग आप इसे नोट कर लो और मोनोहाइडिक एल्कोहल्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए देन हम देखते हैं एलिफेटिक एल्कोहल्स और एरोमेटिक एल्कोहल्स को तो चलो अब हम देखते हैं एलिफेटिक एल्कोहोल्स को लिखेंगे एल्कोहल्स इन विच एल्कोहोल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप Is linked to an aliphatic carbon chain are called aliphatic alcohols. यानी ऐसे एल्कोहल्स जिनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लिंक है एक एलिफेटिक कार्बन चेन से उसे हम बोलते हैं एलिफेटिक एल्कोहल देखते हैं एग्जांपल। सी एस थ्री ओ एच देखिए इसमें हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लिंक है डायरेक्टली कार्बन से sp3 थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये है हमारे पास मिथेनॉल सी एस थ्री सी एच टू ओ एच इथेनोल सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस थ्री टू या प्रोपेन टू ऑल या टू प्रोपेनोल आप देख सकते हैं इन सभी एल्कोहल्स में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस से लिंक है एलिफेटिक कार्बन चेन से लिंक है तो इन सबको हम कैटेगराइज करेंगे किस में एलिफेटिक एल्कोहोल्स में सेकेंड आप देखेंगे एरोमेटिक एल्कोहोल्स सेकेंड इज एरो मैटिक एल्कोहोल्स आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं एल्कोहोल्स इन विच एल्कोहोल्स इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल Group is present in the side chain of an aromatic hydrocarbon. An aromatic hydrocarbon are कॉल्ड एरोमेटिक एल्कोहोल्स यानी ऐसे एल्कोहोल्स जिनमें हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की साइड चेन में प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल एग्जाम्पल देखते हैं आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है डबल सिंगल डबल सी एच टू ओ एच है हमारे पास फिनाइल मिथेनोल क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की साइड चेन में कॉमन नेम क्या होता है इसका वेरी फेमस बेंजाइल एल्कोहल इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सी एच ओ एच सी एच थ्री ये होता है हमारे पास वन फिनाइल इथेन वन ओल वन फिनाइल इथेन वन ओल तो ये हमारे पास बात हो गई सिंपली एलिफेटिक एल्कोहल्स और एरोमेटिक एल्कोहल्स की बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं आप इसे नोट कीजिए देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स बेसिकली हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं एस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अकॉर्डिंग टू कि हमारे पास जो ओ एच ग्रुप है वो किस कार्बन आइटम से अटैच है प्राइमरी से अटैच्ड है सेकेंडरी से अटैच्ड है या टर्शरी से अटैच्ड है आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं सबसे पहले आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ इथेनॉल का सी एस थ्री सी एच सी एच ओ एच ये है हमारे पास इथेनॉल अब आप देखो हमारे पास जो ओ एच OH ग्रुप अटैच्ड है वो किस कार्बन से अटैच्ड है प्राइमरी है या सेकेंडरी ये कैसे देखेंगे जिस भी कार्बन से ओ एच अटैच है वो देखो कितने कार्बन से फर्दर अटैच्ड है अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो वो होगा प्राइमरी कार्बन एटम अब ओ OH एच जो है वो प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है तो इससे हम बोलेंगे प्राइमरी तो हमारे पास ये कौन सी कैटेगरी में आ गया प्राइमरी जिसे हम कुछ इस तरीके से वन डिग्री एल्कोहल भी बोल देते हैं इसी तरीके से अगर हम लिखें सी एस थ्री सी सी एस थ्री एच ओ एच ये हमारे पास क्या है प्रोपेन टू ओल ये है हमारे पास सेकेंडरी यह हम इसे कैसे दिखाएंगे और टू डिग्री एल्कोहल अब देखो जिस कार्बन से ओ एच अटैच्ड है वो डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है वन टू तो ये हमारे पास है सेकेंडरी कार्बन आइटम तो हमारे पास ये कौन सा एल्कोहल हो गया सेकेंडरी एल्कोहल इसी तरीके से अगर मैं लिखूं सी एस थ्री कार्बन सी एस थ्री कार्बन सी एस थ्री ओ एच अब हमारे पास देखिए ओ oh, एच किस कार्बन से अटैच है टर्शरी से कैसे पता लगा क्योंकि ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन आइटम से लिंक्ड है हमारे पास थ्री तो ये हमारे पास हो गया थ्री डिग्री तो हम लिखेंगे ये हमारे पास इसका नेम है टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल ये हमारे पास है टर्श्री मल्टीपल जो इसमें कई बार पूछ लेते हैं हमसे कि बताओ कौन से वाला एल्कोल है सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो ओ है वो किस टाइप के कार्बन से अटैच्ड है प्राइमरी से सेकेंडरी से या टर्शरी से तो आप देखेंगे वो वाला कार्बन फर्दर जितने कार्बन एटम्स से जुड़ा होगा उतनी ही उसकी क्लासिफिकेशन होगी यानी मान लो अगर वो एक से है तो प्राइमरी दो से है तो सेकेंडरी तीन से है तो और फर्दर उसके हम बता देंगे कि हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल होगा सेकेंडरी एल्कोहल होगा या टर्टरी एल्कोहल होगा सिंपल है तो आप इसे नोट कर लीजिए देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ तो चलो अब हम देखते हैं नॉमन क्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन सिस्टम कॉमन सिस्टम एक और बात आप याद रखेंगे कि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का वो होता है यहां पे लिख लेंगे जनरल फॉर्मूला वो होता है हमारे पास सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एक्सेट्रा ये बात आप मान याद रखेंगे मान लो हमने वन लिखा सी वन तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी एस थ्री ओ एच बन जाएगा क्लियर अब हम देखते हैं कॉमन सिस्टम में बेसिकली कॉमन सिस्टम में हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को बोलते हैं एल्काइल एल्कोहल्स कॉमन सिस्टम में हमारे पास जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं एल्कोहल्स वो होते हैं एल्काइल एल्कोहल्स एल्काइल एल्कोहल्स बेसिकली हम किस तरीके से डिराइव करते हैं नेम को हम क्या करते हैं एल्कोहल वर्ड ऐड कर देते हैं एल्काइल ग्रुप के साथ जो कि प्रेजेंट है मोलिक्यूल में क्या कहना चाह रहा हूं एग्जाम्पल से समझो सी एस थ्री ओ एच एल्काइल एल्कोल्स एल्काइल कौन सा पार्ट है मिथाइल मिथाइल उसमें क्या ऐड कर देंगे हम सिर्फ एल्कोहल ऐड कर देंगे मिथाइल प्लस एल्कोहल बहुत ही बेसिक सी बातें हैं ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल इसी तरीके से सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री ओ एच एल्काइल पार्ट है इसको क्या हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल आइसो साथ में एल्कोहल तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा डियर आइसो प्रोपाइल एल्कोहल क्लियर हुआ तो ये हमारे पास बात हो गई कॉमन सिस्टम की दूसरा जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो है कार्बिनोल सिस्टम कार्बिनोल सिस्टम इस सिस्टम की क्या खास बात है इसमें बेसिकली हमारे पास जो मिथाइल एल्कोहल होता है सी एस थ्री ओ एच उसे हम बोलते हैं कार्बिनोल वाइल आल अदर एल्कोहोल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनोल कार्बिनोल सिस्टम में मिथाइल एल्कोल को हम बोलेंगे कार्बिनोल और बाकी जो अदर एल्कोल होंगे हम उसे कार्बिनोल का डेरिवेटिव बोलेंगे एग्जाम्पल देखते हैं आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी टाइमिंग आप इतना नोट कीजिए तो चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच अगर हम कॉमन सिस्टम में बोलते तो हम क्या बोलते इसको एल्काइल ग्रुप कौन सा इथाइल प्लस एल्कोहल इथाइल एल्कोल ठीक है तो हमारे पास कार्बिनोल सिस्टम में हम इसे कैसे बोलेंगे मैंने आपको क्या बोला कि जो मिथाइल एल्कोल है उससे हम बोलते हैं कार्बिनोल बाकी के जो एल्कोल होंगे उन्हें हम उसका डेरिवेटिव बोलेंगे जैसे तो हम इसे बोलेंगे मिथाइल कार्बिनोल अब मल्टीपल चॉइस में ऐसा गिवन हो तो ऐसा सोचना नहीं कि ऐसा तो होता नहीं ऊपर पढ़ो कि किस सिस्टम में पूछा गया कॉमन सिस्टम में या कार्बिनोल सिस्टम में इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने लिखूं सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस थ्री ओ एच तो अब देखो कार्बिनोल साथ में क्या है डाई मिथाइल डाई कार्बिनोल हुआ क्लियर एक और एग्जांपल देखो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है अब आप खुद बताएंगे ये वाला क्या हो जाएगा इसका ट्राई मिथाइल कार्बिनोल इसी तरीके से अगर हम लिखें सी सिक्स एच फाइव सी सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव ओ एच हमारे पास ये बनेगा ट्राई फिनाइल कार्बिनोल आई थिंक बहुत से एग्ज़ाम्पल्स देख ली अब गलती आप नहीं करेंगे तो ये हमारे पास बात हो गई कार्बिनोल सिस्टम की आप ये एग्ज़ाम्पल्स नोट करो देन हम चलते हैं आई सिस्टम की तरफ तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं आई सिस्टम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इस सिस्टम में बेसिकली हम एल्कोहल्स को बोलते हैं एल्केनॉल्स आई सिस्टम में एल्कोहल्स को हम बोलते हैं एल्केनोल्स अभी एल्केनॉल्स कहाँ से आया वो देखो अब अगर हमने किसी भी अल्कोहल को डिराइव करना है हम क्या करते हैं उसके कोरोस्पॉिंग एल्केन से हमारे पास जो ई है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं सफिक्स ओल डैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास एल्केनोल्स आया अब हमारे पास हमें पेरेंट चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें ओएच ग्रुप प्रेजेंट होगा और नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी होगी कि जिस कार्बन के ऊपर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट हो उसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले और हमारे पास जो पोजीशन रहेगी सब्सिचुंट्स की वो हम इंडिकेट कर देंगे जो भी सुटेबल नंबर्स हमारे पास रहेंगे अब अगर आपने पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी की है तो आपने देखा होगा जब भी हम आई यू पी एस सी सिस्टम पढ़ते हैं तो हम एक जनरल रूल लेकर चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम हमारे आई यू नेम लिखते हैं वो रूल क्या था सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे इस रूल को सेकेंडरी प्रीफिक्स साथ में प्राइमरी प्रीफिक्स देन वर्ड रूट then primary suffix and then secondary suffix. अगर हम इसका यूज करते हुए आई यू पी एस सी नेम लिखते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत होने के काफी कम चांस रहते हैं अब हमारे पास हम क्या करते हैं सेकेंडरी प्रिफिक्स का यूज किसके लिए करते हैं इसका यूज हम करते हैं सबस्टिचुएंट या साइड चेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और साइड चेन्स प्राइमरी प्रीफिक्स अगर हमारे पास साइक्लिक हो वर्ड रूट हमारे पास क्या बताता है नंबर ऑफ सी एटम्स यानी कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन प्राइमरी सफिक्स का हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन सेचुरेशन बोले तो सिंगल बोंड अनसेचुरेशन बोले तो मल्टीपल बॉन्ड्स डबल बोंड ट्रिपल बोंड और हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स हम ये बताते हैं इससे नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसका यूज करते हुए हम आई यूपीएससी नेम लिखेंगे जब आपको लिखना आ गया तब आपको इस रूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शॉर्ट में हम कैसे लिखते होते थे सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ये याद रखना वर्ड रूट से पहले प्राइमरी आया तो वर्ड रूट के बाद भी हम प्राइमरी सफिक्स लिख रहे हैं ये याद करने का जस्ट एक तरीका है आप इस रूल को समझ लो इसे नोट कर लो देन हम एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ी और पिक्चर क्लियर करते हैं तो चलिए डियर अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं आई सिस्टम पर रूल बस आपको याद रखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या इनका यूज है ये आपको याद रखना है प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स आपको सीक्वेंस भी यही रखना है रिवाइज करो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है सब सिक्युवेंसियाँ साइड ग्रुप्स प्राइमरी प्रीफिक्स अगर साइक्लिक हो तो हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे वर्ड रूट के पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं प्राइमरी सफिक्स सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन है सेकेंडरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो आओ अब हम उसे अप्लाई करते हैं तो चलो अब हम सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन जिसमें ओ OH जो ग्रुप है वो आ रहा हो और उसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा हो तो वो होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गई अब रूल पे जाओ सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड ग्रुप्स या सब्सिक्ड है किस पोजीशन पे है फोर्थ पे तो हम लिखेंगे फोर मिथाइल उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लिक दिख रहा है नहीं है तो छोड़ो वर्ड रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है पेरेंट चेन में सिक्स सिक्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हेक्स हेक्स अब प्राइमरी सफिक्स सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन सिंगल बोर्ड नीड है तो एन उसके बाद नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है ऑल टू ऑल तो हमारे पास हो गया फोर मिथाइल एक्जेन टू ऑल देखो इसका यूज़ करते हुए कहाँ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी हमने बिल्कुल भी नहीं इसी तरीके से यहाँ आए अब हमारे पास जिस कार्बन आइटम पर ओ एच होगा उससे हम कोशिश करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर मिले तो हम देंगे वन टू थ्री फोर अब इसका देखते हैं चलो उसी रूल पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई या साइड ग्रुप है नहीं है छोड़ दो प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज साइक्लिक नहीं है छोड़ दो वर्ड रूट पर आओ कितने नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम है पेरेंट चेन में फोर फोर के लिए हम क्या यूज करते होते हैं ब्यूट उसके बाद प्राइमरी सफिक्स सेचुरेशन या अनसेचुरेशन अनसेचुरेशन है तो अब देखो कौन सी पोजीशन पर है थ्री थ्री इन उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स की तो नेचुरल फंक्शनल ग्रुप टू ओल तो हमारे पास ये बन गया ब्यूट थ्री इन टू ओल इस पे आ जाओ वन टू थ्री फोर फाइव अब अगर आपको यहां से नंबरिंग करूं मैं वन टू नहीं तो ऐसे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव से फिफ्थ मिलेगा अब यहां से करें तो सेकेंड ये सब क्लियर होंगे रूल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अब देखो हमारे पास अगर हम यूज करें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई साइड ग्रुप या सब्सिचुएंट है है कौन सी पोजीशन पे टू पे तो आप लिखेंगे इसकी बात है टू मिथाइल उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए साइक्लिक है जी बिल्कुल है तो आप यूज करेंगे साइक्लो कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है फाइव फाइव के लिए क्या यूज करते होते हैं पेंट है Pent, saturation है, saturation है तो एन किस पोजीशन पे है फंक्शनल ग्रुप और उसका नेचर क्या है तो हमारे पास बन गया टू मिथाइल साइक्लो पेंटेन वन ऑल क्लियर अब इसकी बात कर लेते हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसका देखो क्या रहेगा फोर मिथाइल अब देखो अगर मैं इसे ढक दूं तो ये क्या बन रहा है बोलो फिनोल फोर मिथाइल फिनोल तो ये हो गए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आई सिस्टम के तो आप इसे नोट कीजिए देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ तो चलो गाइस अब आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आप खुद से ट्राई करें और कोशिश करें कि आप रोल का यूज़ ज़रूर करें अगर नहीं समझ आ रहा कि रोल से कैसे करना है फिर अपने तरीके से ट्राई करें जो भी आपको पता है प्राइमरी सफ़िक्स सेकेंडरी सफिक्स कर लिया ट्राई तो आओ देखते हैं सबसे पहले हमें देनी है नंबरिंग नंबरिंग कैसे कि ओ OH एच को स्मॉलेस्ट मिले तो वन टू थ्री फोर अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड ग्रुप या सब को देखो एक तो हमारे पास मिथाइल है और एक के हमारे पास क्लोरो है तो अब अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है क्लोरो और कहा पर है टू थ्री डाई क्लोरो उसके बाद कहाँ पर है थ्री मिथाइल प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लिक है नहीं है वर्ड रूट कितने कार्बन है पेरेंट चेन में फोर फोर के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट सेचुरेशन है प्राइमरी सफिक्स एन देन हमारे पास कहाँ पर है वन ओल नेचुर फंक्शनल ग्रुप तो ये हमारे पास हो गई इसकी बात इसको देखो अब नंबरिंग कहां यहां पर ओ एच प्रेजेंट हो उसे स्मॉलेस्ट देना है वन टू तो सेकेंडरी प्रेफिक्स सब्सिचुएंट या साइड ग्रुप यहां पर क्या है फिनाइल तो हम लिखेंगे टू फिनाइल प्राइमरी प्रिफिक्स अब हमारे पास क्या साइक्लिक है नहीं है क्योंकि ये तो एज ए साइड ग्रुप आ गया ना तो उसके बाद वर्ड रूट पेरेंट चेन में कितने हैं टू तो हमारे पास कितना हम लेंगे इथ सिंगल बॉन्डेड है एन वन क्लियर उसके बाद यहां पर देखो वन टू थ्री फोर ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमने इससे पहले किया था सब्सिंट हमारे पास क्या है यहां पर फोर नाइट्रो अब इसे मैं अगर ढकूं तो ये क्या बन गया फिनोल तो ये हमारे पास बन गया फोर नाइट्रो फिनॉल आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा कॉन्सेप्ट तो ये हमारे थे आई सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने जो भी यूनिवर्सिटी की हेल्प बुक है वहाँ से ट्राई कर सकते हैं तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल के बारे में इसमें लिखेंगे हमारे पास जो एल्कोहल्स होते हैं बेसिकली वो बेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्कोहोल्स आर बेंट मोलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को देखा हुआ है द कार्बन एटम लिंक्ड विद ओ एटम ओफ ग्रुप इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो कार्बन एटम ओ आइटम के साथ लिंक है ओ एच ग्रुप के वो एसपी थ्री हाइब्रेडाइज है पहले स्ट्रक्चर देखो आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी ओ सी एच थ्री एच ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सी एच थ्री ओ एच इसके लोन पेर भी आप दिखा सकते हैं अब हमारे पास जो ये कार्बन एटम है लिंक है ओ एटम ऑफ ओ एच ग्रुप कौन सा हाइब्रिडाइज है एस पी थ्री आगे लिखेंगे सेंट्रल ओ एटम इज ऑल्सो इन एस पी थ्री स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि जो ओ एटम है वो भी एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है तो ये हो गया एस पी थ्री एस पी थ्री आगे लिखेंगे ड्यू टू लोन पेयर इफेक्ट ड्यू टू लोन पेयर इफेक्ट द बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्रा हेड्रल ऑक्सीजन इज लेसर देन नॉर्मल टेट्रा हेड्रल एंगल या टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर कितना होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109 डिग्री 28 मिनट द बॉन्ड एंगल इन मिथेनोल इज 108.5 डिग्री कि हमारे पास लोन पेयर के इफेक्ट होने के कारण हमारे पास जो टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो लेस होता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट और इस केस में लोन पर इफ़ेक्ट के कारण ये रिड्यूस हो जाता है हमारे पास 108.5 डिग्री ये बात आप याद रखेंगे ये हमारे पास किसके बारे में बात हो गई एल्कोहल के स्ट्रक्चर के और ये हमारे पास हमें पता है एस पी हाइब्रिडाइज्ड है और इसका वन अगर आपको समझने में डिफिकल्टी है तो ये देखो एच टू की जब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी क्या फॉर्मूला था हमारे पास हाफ इंटू माइनस सी प्लस ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिक्स मोनोवेलेंट एटम टू क्या कोई कैटाइन पे चार्ज है नहीं है क्या कोई एनायनिक चार्ज है नहीं है तो हमारे पास कितना आ गया फोर यानी एस पी थ्री यानी कैसा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लेकिन हमारे पास लोन पेर होने के कारण कुछ इस तरीके से बनता था एच एच अब जब हम स्ट्रक्चर ज्योमेट्री देख रहे होते हैं तब तो हम लोन पेयर को कंसीडर कर रहे होते हैं लेकिन जब हम शेप देख रहे होते हैं तब हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं कर रहे होते जब हम ऐसे करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं कि बेंट शेप है उसी तरीके से हमारे पास यहां भी हम बोल रहे हैं कि जो एल्कोहल्स है वो बेंट मोलिक्यूल्स है आई थिंक अब डाउट नहीं रह गया होगा कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूं क्योंकि यहां पर लोन पेयर के कारण लोन पेयर का इफेक्ट यहां पर होता था तो उट टूडे एक बार बाराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया बेसिकली आज हमने स्टार्ट किया हमारा न्यू चैप्टर एल्कोहल सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की क्या होते हैं एल्कोहल्स उनको फर्दर हमने देखा कि हमारे पास क्या होते हैं एलिफैटिक एल्कोहल्स एरोमेटिक एल्कोहल्स देन हमने क्लासिफिकेशन की कि क्या होते हैं प्राइमरी सेकेंड डिटर्स एल्कोहल्स फ़र्दर हमने मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं डाईहाइड्रिक क्या होते हैं पोलोहाइड्रिक क्या होते हैं उसके बाद हमने नोमन क्लेचर को देखा जिसमें हमने सबसे पहले कॉमन सिस्टम देखा देन कार्बिनोल सिस्टम देखा देन आई सिस्टम देखा और कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे उसके बाद हमने एल्कोहल के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश की होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग